रास्ता जब इतना प्यारा होता है ना तो डेफिनेटली मंजिल बहुत खूबसूरत होती है। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल प्लेस। इसको अपनी बकेट लिस्ट में लाजमी ऐड कर लीजिएगा और लाजमी अपनी फैमिली के साथ विजिट कीजिएगा। कंप्लीट पैकेज है आपके लिए, जहाँ बच्चे भी इंजॉय करेंगे और बड़े भी खूब इंजॉय करेंगे। प्लेस से ज़्यादा सीरियसली यहाँ का वे ब्यूटीफुल है। फ्रेंड्स, आया ना मज़ा? सोचें, रास्ता इतना खूबसूरत है तो मंजिल कितनी प्यारी होगी। खैर, एंड तक व्लॉग जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मैं हूं पाकिस्तानी व्लॉगर इकरा और मैं रहती हूं यूएई में। एंड ट्रस्ट मी, मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है कि मैं यूएई में इतनी प्यारी माउंटेन्स देख रही हूँ। यूएई की बड़ी बड़ी इमारतें और शोर शराबा, टूरिस्ट का हजूम तो सबने देखा होगा। आज आप देखें यूएई के बड़े बड़े पहाड़ और इतनी पुरसकून प्लेस। सीरियसली बहुत ही प्यारी रोड है, बहुत ही प्यारी प्लेस है और रास्ता जब इतना प्यारा होता है ना तो डेफिनेटली मंजिल बहुत खूबसूरत होती है। यहाँ पे आप सोलो ट्रिप भी बहुत इंजॉय करेंगे और फैमिली के साथ अगर आप ट्रिप करते हैं तो वो भी खूब इंजॉय करेंगे। बस कुछ चीज़ों का आपने ख्याल रखना है, वो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। एक तो आपने अपनी गाड़ी का फ्यूल टैंक फुल करवा के आना है, क्योंकि रास्ते में अगर आप नोटिस करें तो कहीं दूर दूर तक फ्यूल स्टेशन नहीं है। इसके अलावा खाने पीने की चीज़ें आप अपनी साथ लेके आएँ, क्योंकि यहाँ पे दूर दूर तक खाने पीने के लिए भी कुछ नहीं है और अगर कुछ है तो वो बहुत एक्सपेंसिव है। वी रीच्ड, प्लेस की डिटेल्स तो आपने ऑलरेडी देख ही ली हैं और जो चीज़ मैं आपको दिखाने वाली हूँ ना, वो देख के मेरा तो मुंह खुले का खुला ही रह गया। एंड वाओ, ब्यूटीफुल। सीरियसली मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि ये सच में रियल है। आप भी दिल को थाम लें। 1 2 3 गो। इतना प्यारा वाटरफॉल देखने के बाद, पानी की आवाज़ सुनने के बाद, माउंटेन्स देखने के बाद, सीरियसली 2 मिनट के लिए तो मैं स्टैचू ही हो गई थी। लाइक सीरियसली इट्स रियल। फिर मुझे अफकास ने थोड़ी सी चुटकी काटी और कहा इट्स रियल, लेट्स गो एक्सप्लोर मोर। इतनी प्यारी प्लेस है ना। सीरियसली फ्रेंड्स, मुझ पर तो धूप ने भी असर नहीं किया। मैं तो बस भागती दौड़ती कोई 100-200 सीढ़ियाँ क्रॉस करने के बाद ऊपर आ गई, लेकिन यहाँ पर पानी की आवाज़ इतनी ज़्यादा थी कि मेरा आपसे बात करना मुश्किल हो गया था। पानी की आवाज़ इस कदर तेज़ है ना कि आपको एक दूसरे की भी आवाज़ सुनाई नहीं देगी, लेकिन बेस्ट पार्ट ये है कि आप खामोशी से बैठ के पानी की आवाज़ सुन सकते हैं और इतना प्यारा व्यू इंजॉय कर सकते हैं। माउंटेन्स, ग्रीनरी और ये बहता हुआ पानी, देखिए कितना प्यारा वाटरफॉल है। आप थोड़ी देर खामोशी से यहाँ पर बैठें और इस नेचुरल साउंड को इंजॉय करें। यूएई का वेदर डे बाई डे बेहतर से बेहतरीन होता जा रहा है और विंटर के लिए ये बेस्ट प्लेस है। सीरियसली फैमिलीज के लिए भी बेस्ट है और अगर आप पिक्चर्स वीडियोस बनाने के शौकीन हैं तो आपके लिए तो परफेक्ट है। घबराना नहीं, ये नेचुरल वाटर साउंड है, मैंने कुछ नहीं किया। मैं तो आराम से देखें व्लॉग बना रही हूँ और आपको कह रही हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिएगा। अच्छा, यहाँ के प्रो और कॉन्स की बात कर ली जाए तो यहाँ पे देख लें, दूर दूर तक फिलहाल कुछ भी खाने पीने के लिए नहीं है। एक रेस्टोरेंट है लेकिन टू मच एक्सपेंसिव। ये मेरी रिकमेंडेशन है कि आप अपना खाने पीने का सामान घर से लेकर आएँ और व्लॉगिंग करना देखें कितना मुश्किल है। चेयर्स पर चढ़ चढ़ के व्यूज़ कैप्चर करने पड़ते हैं। आप चाहें तो मुझे सब्सक्राइब और लाइक के साथ साथ कमेंट्स में भी अप्रिशिएट कर सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। खैर, मैं बात कर रही थी प्रो और कॉन्स की। आपने अपने शूज़ पे लाजमी फोकस रखना है, कंफर्टेबल शूज़ वेयर करें। कोई भी प्लेस आपने एक्सप्लोर करनी हो तो हमेशा कंफर्टेबल शूज़ ही पहन के जाएं। और यहाँ पे आपने देखा ना कितनी ज़्यादा स्टेयर्स हैं। अगर आप फुल एंजॉय करना चाहते हैं ना तो खुद को कंफर्टेबल रखें, कंफर्टेबल ड्रेस वेयर करें, कंफर्टेबल शूज़ वेयर करें और खाने पीने का सामान अपने साथ लाजमी लेके जाएँ, वाटर बॉटल लेके जाएँ, तभी आप फुल अच्छे तरीके से इंजॉय कर पाएंगे।
स्टेयर्स बहुत ज़्यादा थी तो हम शमीर को अपने साथ ऊपर नहीं लेके आए थे। शमीर है किड्स एरिया में, वो भी मैं अभी आपको दिखाती हूँ। सीरियसली यहाँ से जाने का बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था, लेकिन धूप इतनी ज़्यादा थी ना, मुझे व्लॉग बनाने होते हैं ना तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उसी टाइम पर जाऊँ जब बहुत ज़्यादा रश ना हो। और स्टेयर्स आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा हैं, तो शूज़ पर फोकस लाजमी कीजिएगा। और ये है जी किड्स प्ले एरिया, जहाँ पे आपके बच्चे खूब इंजॉय करेंगे। एक फैमिली परफेक्ट ट्रिप यही वही होता है जब आपके बच्चे भी इंजॉय करें और आप भी खूब इंजॉय करें। यहाँ पे शामिल ने इतना ज़्यादा इंजॉय किया ना, लाइक सीरियसली मेरा तो दिल चाह रहा था कि मैं भी छोटी हो जाऊँ और बस शामिल के साथ मैं भी खूब इंजॉय करूँ। बहुत मज़ा आ रहा था यहाँ पर। ये जो फ्लोर आपको नज़र आ रहा है ना, ये इतना सेफ था कि अगर आपके बच्चे गिर भी जाए ना इसके ऊपर तो उनको चोट नहीं आती। और राइड्स और डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पर ना एक्टिविटीज़ बनी हुई थी और बहुत ही मज़ा आ रहा था ये देखकर। बेस्ट पार्ट तो यही था कि आप अपने बच्चों को यहाँ पे छोड़कर खुद खूब इंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी यहाँ पे चलना पड़ता है, तो आपके बच्चे इस तरह आपको तंग भी नहीं करेंगे, थकेंगे भी नहीं, और वो अपना इंजॉय करेंगे और आप अपना इंजॉय कर सकते हैं बहुत मज़े के साथ। यहाँ पे टू प्ले एरियाज़ हैं, लेकिन ये वाला जो प्ले एरिया है ना, ये बेस्ट था, बेस्ट भी था और परफेक्ट भी था। शमीर को भी यही अच्छा लगा, तो सबसे ज़्यादा वीडियोज़ पिक्चर्स और टाइम हम लोगों ने यहीं पर स्पेंड किया। अच्छा, वाटरफॉल के पास तो पिक्चर्स अच्छी आ रही थी, लेकिन यहाँ पर भी पिक्चर्स बहुत अच्छी आ रही थी, तो अपने बच्चों की भी पिक्चर्स बनाएं, अपनी भी बनाएं, क्योंकि पिक्चर सिर्फ पिक्चर नहीं होती, ये मेमोरी होती है। और अब आप जब कहीं भी बैठेंगे, याद करेंगे, तो वो पिक्चर्स देखना मत भूलिएगा। जाने का टाइम हो गया है, ट्रेन्स और ट्राम्स यहाँ पे भी इस टाइम वर्किंग में नहीं थी, नहीं तो वो भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करती। और शमीर का मूड ऑफ हो गया, क्योंकि शमीर यहाँ से जाना नहीं चाहता। आपने तो ये ब्लॉग 9 और 10 मिनट में देखा है, लाइक सीरियसली शमीर 2 और 3 और से रेगुलर यहाँ पर इंजॉय कर रहा है, लेकिन अभी भी जाना नहीं चाहता। शमीर तो शमीर, हम भी जाना नहीं चाहते। हमारा इतना अच्छा फैमिली टाइम यहाँ पे स्पेंड हुआ ना, सीरियसली मैंने और कास ने भी खूब इंजॉय किया। काफ़ी देर खड़े होकर हम पानी देखते रहे, इसकी आवाज़ सुनते रहे और यहाँ पे वॉक भी की। सीरियसली बहुत मज़ा आया। अगर आप रियल फैमिली टाइम इतनी पीसफुल और इतनी ब्यूटीफुल इन्वायरमेंट में इंजॉय करना चाहते हैं ना, तो ये प्लेस आपके लिए बेस्ट है। टाइमिंग की अगर मैं बात करूँ तो मैं ये रेकमेंड करती हूँ कि आप ऐसे टाइम पे जाएं जब आप डे व्यू भी ले सकें और नाइट व्यू भी ले सकें, क्योंकि जितना खूबसूरत डे का व्यू है ना, उससे कहीं गुना ज़्यादा खूबसूरत नाइट का व्यू है। सीरियसली कंपैरिजन करना मुश्किल हो जाएगा कि नाइट में ज़्यादा खूबसूरत लग रही है ये प्लेस या डे में ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। इसके चारों तरफ देखें कितनी ज़्यादा ग्रीनरी है, माउंटेन्स हैं, सीरियसली एक परफेक्ट सीनरी है। लाइक सीरियसली ऐसा लगता है जिस तरह कोई ड्रीम देख रहे हैं। और ये इसका शाही दरवाज़ा जहाँ से आप एंटर होते हैं। खैर, मैं तो जा रही हूँ और जाने का मेरा बिल्कुल दिल नहीं कर रहा। अच्छा, अगर यहाँ पे टिकट्स की बात कर ली जाए तो वो मैं आपके साथ आगे चल के शेयर करती हूँ। पहले वो टनल्स देखें हम, वो 2 टनल्स क्रॉस करके यहाँ पे आए हैं और वो इतनी दूर पार्किंग है जहाँ पर हमने चल के जाना है। ताल्लुक पाकिस्तान से है, तो यहाँ पे घूमते फिरते मुझे पाकिस्तान की भी बहुत याद आई। ऐसे लग रहा था जिस तरह ये हज़ारा मोटरवे हो या फिर कलर का हार वाली मोटरवे, लाइक सीरियसली बहुत हम लोगों ने एंजॉय किया और साथ में पाकिस्तान को भी याद किया। खैर, ये हैं जी एंट्री टिकट्स, जहाँ पे लिखा हुआ जी 5 AED पर पर्सन, मीन्स पर पर्सन 5 AED एंट्रीज की टिकट्स हैं, और जितनी देर आपकी पार्किंग लगी रहेगी उसके भी चार्जेस हैं पर और 5 दिरहम। पार्किंग चार्जेस के लिए आपको कार्ड यूज़ करना पड़ेगा। खैर, वापसी भी हम लोगों ने एंजॉय की टी हैंगआउट कैफे से और हम लोगों ने खूब एंजॉय किया। उम्मीद करती हूँ आपको भी आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा, आपने भी हमारे साथ एंजॉय किया होगा। जाने से पहले सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर मुझे तो हमें याद रखिएगा। आप भी खुश रहें, आबाद रहें।